ये देखें रैप ऑटो कॉन्सेप्ट्स। तो भाई जी अपनी गाड़ी ट्रक के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय न्यू चैनल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करूंगा, लेकिन यह है कि एक इंसिडेंट हो गया, एक वाकया जिसका आप में से काफ़ी लोगों को आइडिया भी है, जिनको नहीं है उनको इस वीडियो के बाद हो भी जाएगा। उसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, आप लोगों ने इतना इतना मुझे प्यार दिया, और आप में से काफ़ी लोग कह भी रहे थे, मुझे पूछ भी रहे थे कि यार कूपन कहाँ है, कूपन कहाँ, कूपन कहाँ है। मेरा DM भर दिया सारा, कूपन कहाँ है, कूपन कहाँ है। डैब के ऑफिशियल नंबर पे कॉल्स आ रही, मैसेजेस आ रहे, व्हाट्सएप आ रहे कि यार कूपन कहाँ है हमजा भाई, कूपन कहाँ है हमजा भाई, ठीक है कूपन कहाँ है हमजा भाई, ठीक है। लेकिन कह लें कि बीच में इतू सा लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया, क्योंकि बेसिकली जो हादसा हुआ था वो हमारी ही गलती थी और हमारे ही एक चाइल्डिश एक्ट था जिसकी वजह से हो गया। लेकिन अलबत्ता जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। बहरहाल खैर, इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को बताता चलूँ कि कूपन आ चुकी है। मुझे थोड़ी देर पहले टेक्स्ट भाई की कॉल आई है कि कूपन लाहौर पहुंच गई है, और मुझे अब बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बहुत अजीब मिक्स फीलिंग है, क्योंकि गाड़ी का बहुत देर से वेट था। ऑलमोस्ट हमारा एक्सीडेंट हुआ था 8 अक्टूबर को, 2 बज रहे 4 नवंबर की, तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया गाड़ी को, और मैंने अभी तक गाड़ी लाइव नहीं देखी, तो मुझे बहुत हुआ है। तो पता नहीं है मैं आगे जाके वीडियो भी बना पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मैं अब आपको नहीं बता सकता मैं कैसा फील कर रहा हूँ। लेकिन 8 अक्टूबर को मैं सिर्फ रंगा में था, स्कद्दू में था, तो मैं और हबीब भाई दोनों, साथ एक और कूपन भी थी, तो हम लोग जा रहे थे सिर्फ रंगा की तरफ, तो रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी हमारी खाई में गई। तो बहरहाल खैर, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कूपन आ चुकी है वापस, तो अब जा के देखते हैं क्या बनती है। भाई जी हमने ठोकर नहीं जाना था, गाड़ी किधर आ गई? बदामी बाग। किधर? सब्जी मंडी के पास। सब्जी मंडी में? अबे साले क्या सीन है, कूपन खोल के फेंक रही है। भाई ये डेक्स्टर भाई कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। भाई अपनी गाड़ी इनमें से किसी ट्रक में होनी चाहिए। एनसीपी वाला छापा मार रहे हैं, यही यही ट्रक है। एनसीपी वाला छापा मार रहे हैं। देखो किस हालत में आया हुआ है, आपसे एक्सीडेंट हो गया।
खैर है, कोई बात नहीं, अल्लाह रहम करे। जान ठीक है तो बात गाड़ी बनती रहती है, ये काम होते रहते हैं। अल्लाह ताला ने आपको मरतबा बचा लिया, सबसे बड़ी बात यह है जान ठीक है। वैसे गाड़ी की जो पोजीशन है बहुत बढ़िया। चलो दिखा दो फिर थोड़ी सी गाड़ी। तो भाई जी अपनी गाड़ी इस ट्रक के अंदर है, लेकिन आज अनलोड नहीं हो सकती। अब वो कल का कह रहे हैं क्योंकि गाड़ी में इसके साथ और भी सामान लोड हुआ। मैं मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, पता तो करें इसके अंदर है क्या। चलो आप पूछते हैं गाड़ी के साथ। कॉपी और नंबर प्लेट दिखाओ, कुछ तो दिखा दे यार। इसमें और लोड क्या हुआ है इसके ऊपर? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट। वेरी एक्सपेंसिव कार। क्या हो रहा है? दिल ना दे बस दुआ दे। वो कह रहे हैं और नंबर प्लेट है और वो आपको दिखा देते हैं तो तसल्ली के लिए। ये कागजात वगैरह है बिल्कुल बस ठीक है, इतनी इधर तक ही थी। हाँ वो बाकी बेटी वाला कागज है। Yes, ये देख लें जी, ये अड़े वाले ने दोबारा फिर 15,000 रुपया मुझे लेके दिया था ना। ठीक है, वो उधर उसको बताया है कि भाई अगर वो तो लेके गए तो ठीक है, अगर अड़े नहीं उतार दी गाड़ी तो ले ले। बस ठीक है, वो मैं कर लेता हूँ ट्रक का कुछ। चलो ठीक है, मैं जब गाड़ी जब फारग होगी आपकी गाड़ी आजाद होगी मैं आपको बताऊंगा। तो बस आप आ जाओ, बस आपने मुझे फ़ोन कर देना। तो घंटा पहले कर देना क्योंकि मैं घंटा लगेगा आते में। ठीक है, ठीक है, नाराजगी नहीं करना है आपको, तकलीफ दी है मेहरबानी आपकी। भाई अब सीन ऐसे है कि ट्रक सारा बह गया और अनलोड ही कह रहे हैं कल होगा।